नमस्कार मित्रों, आज अक्षय तृतीया है, आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन एटीएम्स में पैसे नहीं, पूरे देश से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ना केवल दिल्ली मुंबई, गांव देहात सब जगह से ही रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा माहौल होता है इस वक्त देश में, जब कटाई चल रही होती है, शादियों का सीज़न होता है, एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, लेकिन लोगों का जो मूड है, जो मन है, वो उदास है, वो खुश नहीं है। क्योंकि आपका अपना पैसा आपको नहीं मिल रहा, तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। एवरी आवर द गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस माउथ पीसेस कम अप विथ न्यू एक्सक्यूजेस, न्यू रीजंस, न्यू थ्योरीज। साहब, सबसे अमीर पार्टी आपकी, अभी डेटा आया था, 16 महीने में आपका 7 सितारा कार्यालय बनकर खड़ा हो जाता है। एक ही प्रोजेक्ट है इस 4 साल में जो टाइम से पहले कंप्लीट हुआ इस सरकार। इवेंट मैनेजमेंट और चुनाव की मैनेजमेंट पे करोड़ों रुपए आप फूंकते हैं। फिर पूछते हैं, अच्छा उससे पहले एक और बात, अपने दोस्तों पर पैसा लुटाकर उनको देश से भगाते भी आप हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, और फिर कहते हैं पैसा कहाँ गया। फिर आम आदमी को कहते हैं कि ये टेम्परेरी समस्या है। जी हाँ, आज जितनी समस्याएं हम देख रहे हैं मोदी जी, जेटली साहब, ये टेम्परेरी ही तो हैं। एक ही तो साल बचा है आपका, आप खुद टेम्परेरी हैं, और सिर्फ इस कारण से ये समस्याएं टेम्परेरी हैं क्योंकि आप टेम्परेरी। आरबीआई को पिछले कुछ सप्ताहों से बैंक्स पत्र लिख रहे थे, याद दिला रहे थे कि कमी आ रही है, कमी आ रही है। आरबीआई क्या कर रहा था? अभी कल ही संसदीय समिति, वित्त मामलों की जो संसदीय समिति है, उसने आरबीआई के गवर्नर को तलब किया था कि हो क्या रहा है बैंकों, एनपीएस की क्या स्थिति है, बैंकों के स्वास्थ्य की क्या हालत है, ऐसा क्या कारण है कि लोग बैंकों में पड़े अपने धन को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। इसका उत्तर तो इसी सरकार को देना। बैंक के बाहर रखो पैसा तो बड़े मोदी को दिक्कत, और बैंकों के भीतर रखो पैसा तो छोटा मोदी लेकर भाग जाए। पैसा कहां रखे आम आदमी, इसका उत्तर भी इसी सरकार को देना है। दिस गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ आंसरिंग टू डू। वेयर डज द कॉमन मैन कीप हिज और हर मनी? जो मात्रा रुपयों की, बड़े शहरों की ही बात एक उदाहरण ले लेते हैं, जो प्रतिदिन की आवश्यकता इन बैंकों को रुपयों की होती है आरबीआई से, वो एक सप्ताह में आने लगा। जो रोज चाहिए वो अब सप्ताह में एक बार आता है। 1/6 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ करेंसी नोट्स रिक्वायर्ड बाय बैंक्स इन अर्बन मेट्रो सिटीज इज बीइंग मेड अवेलेबल टू देम। व्हाई सो? आपकी प्लानिंग में गड़बड़ थी, आपकी मंशा में गड़बड़ है, या आपको सरकार चलाना ही नहीं आता? कारण क्या है? अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो चुनाव आ रहे हैं, उत्तर आपको मिलेगा। अब एक नया बहाना और सुना कि जो 2 लाख एटीएम मशीन्स हैं इस देश में, उसमें अधिकतर जो है वो कैलिब्रेटेड नहीं है 200 के नोट को निकालने के लिए। यही बहाना हमने नोटबंदी के बाद सुना था। अरे आप नोटबंदी करने वाले थे, तब आपने क्यों नहीं प्लानिंग की थी उससे पहले कि 2000 का नोट निकल सके? अब वही बात 200 के नोट की, जो सबसे ज्यादा छप रहा है वो सबसे कम निकल पा रहा है। ये प्लानिंग की गड़बड़ नहीं है तो क्या है? यह आपका ध्यान ही नहीं है फुल टाइम। मैंने पिछले सप्ताह भी आपको कहा कि अगर सरकार राजनीति पे उतारू हो जाती है तो सरकार नहीं चला सकती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, और ये सरकार सुबह से रात तक 24 घंटे ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है, और वो भी छोटी राजनीति करती है। प्रधानमंत्री से लेकर और उनके तमाम मंत्रियों तक
सुबह से शाम तक राहुल गांधी जी ने ये कहा, उन पर हमला, इस पर, अरे आप अपना काम तो करिए। राहुल गांधी जी और विपक्ष के लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आपकी कमजोरी उजागर कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप दिन भर हमें जवाब देते रहें और जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान न दें तो क्या ये सरकार चलाना हुआ? ये ओछी राजनीति है, उसके सिवा कुछ नहीं। ग्रॉस एनपीएस मोदी जी के अंडर मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट द ग्रॉस एनपीएस हैव गॉन अप बाय 5.8 लाख करोड़, 4.8 लाख करोड़ के एनपीएस इस सरकार के अंडर हुए, 61,000 करोड़ के बैंक घोटाले अभी उजागर हुए और हो रहे हैं, वो भी इसी सरकार के तहत हुए, 61,000 करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ बैंक डिफॉल्ट्स, नॉट डिफॉल्ट स्कैम्स। मोदी जी पिछले 4 सालों में तमाम योजनाओं के नामकरण करते रहे, नाम बदलते रहे और वाहवाही बटोरने की चेष्टा करते रहे। एक योजना उनकी ओरिजिनल थी, मूलतः उनकी अपनी थी, पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, नोटबंदी। उसमें न नेहरू जी, न गांधी जी, न इंदिरा जी, न राजीव जी, न कोई, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की देन थी इस देश को, ओरिजिनल आइडिया था। दिस वॉज द वन ओरिजिनल आइडिया ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विच वॉज डीमोनिटाइजेशन। हेयर आर द रिजल्ट्स, नतीजे आपके सामने हैं। 18 महीने गुजर गए हैं नोटबंदी, आज भी नतीजे आपके सामने। आरबीआई नोट नहीं गिन पाई, कितने नोट लौट कराए नहीं गिन पाई, और आज जो नए नोट हैं वो अवेलेबल नहीं, उसके उत्तर भी नहीं दे पा रहे। अब नया बहाना क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो दिख रहा है वो ये है कि विश्वास अगर लोगों का बैंकिंग प्रणाली से खत्म हो रहा है, हो जाता है, तो एक खौफ का माहौल इस देश में दिख रहा है। पीपल आर पैरानॉइड अबाउट देयर मनी, दे आर इनसिक्योर अबाउट देयर मनी, दे डोंट नो द फेट ऑफ द हार्ड अर्न मनी विच दे हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक्स। आप FRDI की बात करते हैं, बेल इन बेल आउट में लोगों में एक आतंक है, उत्तर नहीं मिल रहे। गवर्नमेंट इज वेग अबाउट एवरीथिंग विच इज क्रिटिकल टू द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड वुमन। अगर जैसा कि मैंने कहा आप लोगों के पास कुछ उत्तर हो तो आप लोगों को ज्ञान दीजिए, जनता को क्या हो रहा है। मोदी जी से उम्मीद नहीं है, कहते हैं स्वीडन में कल, आज बोले कि इतने साल बाद मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो यहां आया हूं। अरे साहब, बाकी प्रधानमंत्री देश में काम करने में व्यस्त थे, हो सकता है आप कई बार पहली बार जाएंगे और गए होंगे, बिल्कुल सही बात है। आपके प्रीडेसेसर्स दे वर बिजी वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री एंड दैट्स व्हाट यू हैव बीन इलेक्टेड फॉर। हाउ कैन यू गो आउट एंड से कि मैं पहला, हाँ हैं आप, हम तो खुद कहते हैं आप पहले हैं जो कई जगह गए हैं और शायद आखिरी भी होंगे जो कई जगह गए हैं। देश में रहिए, देश के समस्याओं का निदान करिए, उत्तर दीजिए लोगों को। एनी क्वेश्चन, यूर प्लीज मोस्ट वेलकम। देखिए आपने देखा होगा जी, रविशंकर प्रसाद जी एक पहले कानून मंत्री हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि सुप्रीम कोर्ट में SC ST Act डाइल्यूट हो रहा है। ये एक पहले कानून मंत्री हैं जिनकी नाक के नीचे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस आके अपनी व्यथा जनता को बताते हैं आपके माध्यम से। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोलें जो अपने मंत्रालय पे ध्यान नहीं रखते और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। पहले तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि क्या हो रहा है आपके मंत्रालय में, क्यों आज जुडिशरी की क्या स्थिति कर दी आप। रही बात जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, बहुत सही कहा, हर बात पे मोदी जी बोल देते हैं लेकिन क्रिटिकल मुद्दे जो हैं
जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिससे जनता उद्वेलित रहती है उस पर वो चुप रहती है। और जब राहुल गांधी रात को 12 बजे इंडिया गेट पर हजारों की संख्या में जनता के साथ निकल कर आते हैं तो डर के मारे एक आवाज़ निकल आती है मोदी जी की कठुआ पर। जब आपका प्रेशर मीडिया का प्रेशर बनता है तो फिर उन्नाव में भी थोड़ी बहुत टोकन जिसको कहते हैं एक्शन लिया जाता है। उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के मंत्रियों से इस्तीफा लिया जाता है। आपके कहने के पहले नहीं हुआ था, राहुल जी के सड़क पर आने से पहले कुछ नहीं कर रहे थे, बोल भी नहीं रहे थे। तो मनमोहन सिंह जी ने जो कहा है, ही इज अ स्टेट्समैन, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो बहुत नाप तोल कर बोलने में विश्वास रखते थे, रखते हैं हमेशा। उनकी यही एक उनके करियर का सबसे बड़ा एक ऑब्जर्वेशन हम सबकी वो यही है कि जो बहुत काम करना जानता है और जो काम करता है वो बोलता कम है। यहां वहां की बातों पे बोलते चले जाएंगे, दिखाने को कोई काम है नहीं, और जब बोलते हैं तो कहते हैं कि एक सेकंड में दो बाथरूम बन गए बिहार में। अब ऐसी टिप्पणियां करेंगे तो कौन इनको गंभीरता से लेगा? और जाहिर सी बात है, इस तरह के प्रधानमंत्री को इसी तरह के कानून मंत्री उसके डिफेंस में आएंगे।